Excuse me. क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। गलत आप मुझे ना समझें। आपको क्या लगता है खूबसूरत लड़की को आपकी मदद की जरूरत होगी? तो ये खूबसूरत लड़की यहाँ के हालात से भी वाकिफ होगी? ये सुनसान जगह नहीं है, यहाँ पे कोई हादसा कैसे हो सकता? हादसा तो हमेशा से बदजात है, सुनसान और गुंजान से आजाद है। दुराने सफर अगर ये मौजू जेरे बहस हो, बस इतनी सी फरियाद है। प्लीज अच्छा लगा मुझे इस तरह आपका शायराना अंदाज में फ्लर्ट करना। काफी टैलेंटेड है आप, मुझे इस सर्विस देने पर मजबूर कर दिया आपने। कहाँ जाएंगे आप? गुलशन। What a coincidence. मैं भी गुलशन ही जा रहा हूँ। Really? Yeah? वैसे आप करते क्या हैं शायरी के अलावा? मुलाजिम है, मुलाजमत करते हैं। और जहां तक बात है शायरी की, तो जॉन के दौर में जिस नौजवान ने शायरी का जौक नहीं रखा वो तो बदजौक हुआ। इल्मे कलाम पे काफी महारत है आपकी, अधूरी मुलाकात में ही आपने मुझे इतना मुतासर कर दिया, तो यकीनन आपकी वाइफ भी आपसे काफी खुश हूं। वैसे आपकी उर्दू से भी मैं काफी मुतासर कुन हुआ, लेकिन आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं शादीशुदा हूं? क्योंकि अमूमी तौर पर इंसान शादी के बाद ही इतना खुश होता है। वैसे उर्दू के साथ साथ ऐसे लताफत भी कमाल है आपकी। वैसे आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन आपने तन से ही काम लिया। जाहिर सी बात है, एक अनजान आदमी के अंदाजे बयां से मुतासर होकर जो लड़की लिफ्ट लेने पर राजी हो जाए, एटलीस्ट उससे तो मैं खुश नहीं लग सकता। बातों में लगा के मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सवाल किया ही कब, अंदाजे पर ही इक्तफा किया। चलें, अब बकायदा आपसे सवाल कर लेती हूँ। क्या आपको अपना घर किसी के साथ शेयर करना पड़ता? वैसे आपके सवाल का अंदाज मुझे अच्छा लगा। एक से जायद फर्द के साथ घर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर जाहिर सी बात है अपनी वाइफ के साथ लाइफ भी तो शेयर कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है आप। वैसे एक बात बताएं, आपको भी सुबह नींद से बेदार होते ही किसी का चेहरा देखना पड़ता है? देखना पड़ता नहीं है, देखना चाहती हूँ अपनी कुल कायनात का चेहरा। वैसे आपकी बातों से ही अंदाजा होता है कि आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपका शौहर आपसे ज्यादा प्यार करता है। ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? वही हिस्से लताफत, गुफ्तार और हुस्न का पैकेज जो है। चले फिर एक शेर हुस्न के नाम भी हो जी। ओके। आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, पर्चे पर मैंने तुम्हारा चेहरा बना दिया। बहुत खूब, चले वैसे कॉफी तो बनती है आपके साथ, है ना? लेकिन वो आपकी कुल कायनात? सॉरी, वो इस वक्त घर पे नहीं है। हेलो भाई, किधर गायब है तुम्हारा हस्बैंड? कब से ट्राई कर रहा हूँ उसे, उसका फोन बन जा रहा है। एनीवे, दफा करो उसे, अपना बताओ कैसी हो, मोटी हो या वैसी की वैसी? अकबर, मेरे अलावा कौन बेवकूफ एक्साइटेड होगा तुम दोनों से बात करने के लिए?
तुम कहाँ गायब हो? अमेरिका जाके तो वापस ही नहीं आए तुम, वहीं क्यों के रह गए? हमारी शादी पे भी नहीं आए। बस यार क्या बताऊं, यू नो हाउ इट इज, काम काम काम, बिजी चल रहा हूँ यार। बट बाय द वे मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक, प्लान करते हैं कुछ एक्साइटिंग। वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, अकबर आ रहा है। तुम जल्दी से आओ, तुम्हारी शादी का भी बंदोबस्त करते हैं। भाई लड़की तो तुमने ढूंढनी है मेरे लिए, और बिल्कुल अपने जैसे, कार्बन कॉपी चाहिए मुझे, ओके? अब बाय द वे ये किसे बता रही थी कि अकबर आ रहा है? बस क्या बताऊं, कोई फ्लर्ट करते करते घर तक पीछे ही आ गया। वैसे तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, इतनी रोमांटिक लाइफ जीने के लिए ना एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। बात कराना जरा हजरत से। ये लो। हाँ जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। एयरपोर्ट से पिक कर लेना आते जाते। ठीक है ठीक है, I'll see you then. I'll see you there. Bye. मजा आएगा। It's good that he's coming. चले चलो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सो के उठी हो अभी? नहीं, अभी भी सो रही हूँ। बताइए तो सुबह सुबह कॉल क्यों की? सुबह सुबह? दोपहर का 1 बज रहा है मैडम। सो अम्मी आप तो सास ही बन गई हैं। बताइए कुछ काम था? अरे मैंने तो बस इसलिए फोन किया था कि पता करूं कब आओगी। I am so sorry, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या? अरे मैंने तो बिरयानी का मसाला भी चढ़ा दिया और तुम अब बता रही हो। एक बात बताओ कि अहमद तुम्हें कुछ ज्यादा ही कंट्रोल नहीं कर रहा? वो क्यों करेगा मुझे कंट्रोल? आपको मसला क्या है अहमद से? देखिए जैसी जिंदगी मैं उसके साथ गुजार रही हूँ ना, ऐसी जिंदगी की तो सिर्फ लड़कियां तमन्ना ही कर सकते हैं। अरे लड़कियां तो आसाइशों की तमन्ना करती हैं, और ये आसाइशें अहमद तुम्हें दे दे उसके बस की बात नहीं। अम्मी शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी आसाइश सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब ज्यादा गुण मत गाओ अहमद के, और मुझे ये बताओ ये तुमने अचानक प्लान क्यों चेंज किया? हाँ वो अकबर आ रहा है आज अमेरिका से 4 साल बाद, आप तो उधर हमारे साथ रहेगा फिर इस्लामाबाद चला जाएगा, वहाँ उसे कुछ काम है। अरे ये वही अकबर है ना, वो जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दोस्त था? जी। अम्मी कोई पुरानी बातें लेकर मत बैठ जाइएगा प्लीज। अच्छा ये बताओ आजकल क्या कर रहा है वो? जो भी करे इससे आपको क्या, मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज कोई पुरानी बात मत कीजिएगा। अरे मेरी तो सारी मेहनत गारत कर दी तुम्हारे अचानक प्लान ने। आइडिया, आप साथ वाली छोटी मोमानी को बुला के उनकी दावत करते। अच्छा अब मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, तुम अपना देखो सो जाओ। आपने सोने के काबिल छोड़ा है मुझे। हाँ भाई ये भी मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी को दोपहर में 1 बजे सोते से जगा दिया। छोड़ो रहने दो, बाद में बात करती हूँ तुमसे। अच्छा सुने सुने, फूलों का तारों का सबका कहना है
सबसे प्यारी मेरी मामा है। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, फोन बंद करो और सो जाओ। अल्लाह हाफिज। है बिरयानी चढ़ी हुई है, देख। वैसे अकबर एक बात बताओ, बाहर पैसा कमाने का इतना फायदा क्या है जब एयरपोर्ट मुझे ही तुम्हें पिक करने आना। इतना पैसा कमाने का ये फायदा है कि दो मुलाजिम है मेरे पास, एक ड्राइवर और एक कुक। ओह गॉड, तुमने अभी तक मुझे कुक समझा है, थोड़ा सा तो अपग्रेड कर दो। भाई तो खाना खाने के बाद डिसाइड होगा कि तुम अपग्रेड होने के लायक हो या नहीं, इनकी सेहत से तो नहीं लग रहा। मैं मोटा कब था भाई, मेरी हमेशा से यही सेहत है। वैसी की वैसी सेहत है तेरी शादी के 2 साल बाद भी, खाना तुझे सही नहीं मिल रहा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर ये सब खाना मैं ले जाती हूँ, तुम लोग ऐसा करो बाहर से मंगवा लो। अरे अरे अरे, I'm so sorry, मैं मजाक कर रहा था, क्या हो गया है, भूल गई हो तुम? यूनिवर्सिटी में तुम खाना बनाती थी इसके लिए और खाता मैं था, आज पहली दफा तुमने मेरे लिए स्पेशली खाना बनाया यार। I'm not gonna miss on this। जनाब तो फिर कौन सी मूवी देख रहे हैं हम 4 साल बाद? डॉक्टर स्ट्रेंज। बुकिंग कर लें? हाँ 9 बजे का शो है। You sure? Yes. Okay. लेकिन गाइस मेरी एक इम्पोर्टेंट जूम मीटिंग है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। ब्रो 4 साल बाद हम एक साथ मूवी देखने जा रहे हैं यार, अरे बॉस से छुट्टी लेना, एक्सक्यूज कर यार। ठीक ही तो कह रहा है वो, अब कल वो चला जाएगा, अपने बॉस को कोई एक्सक्यूज कर लो। सूफी तुम्हें पता तो है मेरी कंपनी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो आई विल जॉइन यू गाइस, पक्का। तुम लोग कह रही हो रखो प्लीज। आफाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रिपोर्ट है फिर? मेरे ख्याल में तुम्हें सूफी से बात कर लेनी चाहिए। फहद मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, जो भी है बताओ मुझे। आर यू श्योर? वो वाला सीन कितना फनी था। बहुत फनी था, बहुत देर से देखती थी। काफी वक्त नहीं लगा दिया तुम लोगों ने, मूवी इतने मजे की थी क्या बताओ, वक्त का पता ही नहीं चला। और फिर हम वापसी पे 2 दरिया चले गए थे, यूनी की यादें ताजा हो गई, बहुत मजा आया। और हाँ वो वापसी पे एक हादसा भी हो गया हमारे साथ, बहुत वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। सड़कें क्यों सुनसान है, वैरान क्यों है रास्ते, हो चुका है हादसा, ये हादसा होने को है। तुम्हारी आंखें सूजी भी क्यों हैं? हाँ नहीं, वो बस सर में कुछ दर्द था। सर दबा दूं तुम्हारा? गला दबा दूं मैं? गला तो इसका मैं दबाऊंगा जो इसने आज का प्लान फारिग किया है। अरे भला है इसका, अगर ये ना होती तो आज के दिन में रंग कौन भरता। गला तो इसका मैं दबाऊंगा, किसी और को ये हक नहीं दे सकती मैं। मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया चू चू दवा की। गाइस अगर तुम लोगों का शेरो शायरी का सेशन शुरू हो गया ना तो मुझे पकने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रहा हूँ वापस होटल, कल इस्लामाबाद, 1 महीने बाद वापस। और भाई प्लीज 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले ऑफिस से। ओके सोफी। ओके थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। टेक केयर। बाय। बहुत थक गई। तितली के परों पर है
आ गए तो क्या बात है, आज अपने लिए कोई नया किरदार बनाया तुमने? किरदार? काश तुमने भी अपना किरदार नेक बनाया होता। क्या बकवास कर रहे हो? आईना दिखा रहा हूं। नेक और बद किरदार में फर्क बता रहा हूं। घबराओ नहीं मेरी जान, तुम्हें तुमसे ही मिला रहा हूं मैं। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे आज तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मेरी बातें तुम्हें समझ में क्यों आएंगी? पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? जो देखता हूं ना वही बोलने का आती हूं, और मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसाती हूं। ओके, तुम ठीक हो? डू नॉट टच मी, और मुझसे अब मजीद सवाल मत करना। जब मैं कुछ फजूल बोल दूंगा प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम क्यों कर रहे हो ये मेरे साथ? प्लीज दरवाजा खोलो। कहीं तुम्हें अकबर की कोई बात बुरी तो नहीं लगी? अकबर? मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। तुम मुझ पे शक नहीं कर सकते। अच्छा, मैं शक नहीं कर सकता? क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। तुम अपनी बीवी को घर का गुलाम नहीं समझते हो। तुम मर्द और औरत की क्वालिटी में यकीन रखते हो। तुम ये फजूल बातें मत करो। मैं बकवास से ज्यादा कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी मर्द एक बीवी की बेवफाई। धागा वास्ता, चुप कर जाओ। Stop it, please. सूफी, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, आ जाओ खाना खा लो। मेरी कुल कायनात को एक हवा के मामले से झोंके ने उड़ा दिया। वो तुम्हारी दोस्त एनी है, उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि सूफी से कहें कि उसका स्कूल ज्वाइन कर ले। हमारी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की तो दुनिया में शान दिया करती थी। मैंने तो उसको साफ साफ मना कर दिया, भाई सूफी अभी रेस्ट करेगी और फिर उसकी जो मर्जी वो करे। आप आपकी इजाजत के खिलाफ जाके इन्हें अहमद से शादी का फैसला किया। उस बदबख्त का नाम मत लो अपने मुंह से। मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी उसने। वो कहता था कि बात किया करो,
कोई इंसान ना पसंद हो, किसी से इख्तलाफ हो तो उससे बात करो, लेकिन उसने तो फैसला सुना दिया, लेकिन उसने एक दफा मुझसे बात की। अजीब लोग हैं, कब से फोन कर रहा हूं, अहमद साहब का फोन बंद है और सूफी फोन ही नहीं उठा रही, क्या यार। बेटा कब तक इस तरह खड़ी रहोगे? रात बहुत ज्यादा हो गई है। इस तरह बाहर यूं पौधों के दरमियान रात इतनी देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है बेटा। अंदर चलो। अरे सोफी, मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रहा हूं, तुम फोन ही नहीं उठा रही और अहमद साहब का तो फोन परमानेंटली बंद पड़ा हुआ है। अरे मैं कराची आ गया हूं, क्या सीन है, क्या प्लान है? बेटा मैं सोफी की अम्मी बात कर रही हूं। अरे आंटी आई एम सो सॉरी, मैं अकबर बात कर रहा हूं, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ बेटा मैं तो खैरियत से हूँ। सोफी सोफी ठीक नहीं है। क्या हुआ सोफी को? आपके पास रुकने आई हुई होगी ना? हाँ बेटा वो हमेशा के लिए मेरे घर आ गई है। अहमद ने उसे तलाक दे दी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ठीक कह रही हूँ बेटा, सूफी को भी अब तक यकीन नहीं आ रहा कि जिस शख्स को उसने इतना टूट कर चाहा वो बदबख्त उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा सूफी बिल्कुल टूट चुकी है। मुझे डर है कि कहीं वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। प्लीज प्लीज बेटा तुम आकर उसको संभाल लो। आंटी ऐसा कैसे हो सकता है, इस सब की वजह क्या है? तुम बेटा तुम
गुमान है तेरे लौट आने का। देख कितना बदगुमान हूं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे मैं क्या कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारी तकलीफ कोई महसूस कर सकता है। मगर मैं जिस सोफी को जानता हूं ना, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो और उसे निमटने की पूरी कोशिश करे, हार नहीं मान सकती। तुम किसी और शख्स की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती सोफी। वो शख्स नहीं था, जिंदगी थी मेरी। उस घटिया शख्स को पहचान नहीं पाया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मुझ पे शक किया तुम्हारी वजह से। इसी बात का तो मुझे गिल्ट है सोफी। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी बर्बादी का कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ही हूं। प्लीज तुम सॉरी मत कहो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। सोफी उसे बार बार याद करने से ना तुम्हारा गम कम होगा ना गुस्सा, और मेरी बातों से तुम्हारा स्ट्रेस भी कम नहीं होगा। देखो वक्त लगेगा इस ट्रांस से निकलने में, बट सोफी यू हैव टू ट्राई टू मूव ऑन। अकबर प्लीज मुझे समंदर पर ले चलो। शायद समंदर का शोर सुन के मेरे अंदर का शोर कुछ कम हो जाए। ठीक है, रिश्तों के है धागे से बंध कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने। हर मोड़ पे रखी है कोई या बेटा मेरी बात मान लो। अकबर बहुत अच्छा लड़का है। क्यों अहमद के शक को अब यकीन में बदलना चाहती है? उसके शक ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसके यकीन से तुम्हारी जिंदगी आबाद हो सकती है तो उसे यकीन कर लेने दो। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द। जिंदगी कहानी है या
सोफी। अरे फाहद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर, ये फाहद भाई है, अहमद के कजन और यहाँ के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। अरे कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम तो कोशिश करना होता है, शिफा देना तो अल्लाह की जात है। बाय द वे सोफी, आपने इनके बारे में नहीं बताया। ये अकबर है, मेरे हस्बैंड। ओह गुड, अच्छा किया तुमने शादी कर ली। जिंदगी का फलसफा यही है कि किसी के आने जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मुझे खदशा था कि अहमद के जाने के बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। जाने के बाद? अहमद के इंतकाल के बाद जैसे तुमने खुद को संभाला है। इंतकाल? ओह कम ऑन सोफी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। कब, कैसे? अहमद तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। तो ऑपरेट करना होगा? कोई चांस नहीं। कितना वक्त है मेरे पास? कुछ नहीं कह सकते। महीना तो होगा ना? शायद इससे भी कम। Are you sure? मुझे रिपोर्ट्स भेजो मेरी। अहमद तुम परेशान मत होना। हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। रिपोर्ट्स भेजो। जानकर मुझ पर शक किया ताकि मुझे तलाक दे सके और मैं उससे नफरत करूं, ताकि मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर जाऊं। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर पुरानी। ये जिंदगी का
ये जिंदगी।